जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश, हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे दिमाग में जब से राष्ट्रपति ट्रंप आकर के गए हैं, कुछ बहुत ही उथल पुथल सा चल रहा है। और वो इसलिए कि उन्होंने जो है गांधी जी के आश्रम का दौरा किया और वहां पर तीन बंदर जो गांधी जी के थे वो सफ़ेद रंग के पत्थरों में बनाए हुए थे, और जिसको जो है मोदी जी ने दिखाया और ट्रंप ने उसको बहुत ही आराम से हाथ से टच करके महसूस किया, और जो गांधी जी की शिक्षा थी उसको भी सुनाई होगा। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी के जो बंदरों का उद्देश्य है, जो उनका आपके समाज के ऊपर असर है, वो बदल रहा है। और मुझे लगता है कि समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। गांधी जी के तीन बंदरों का संदेश ये है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मैं मान लेता हूँ कुछ समय के हिसाब से ऐसी शिक्षा जरूरी थी, नहीं जरूरी रही होगी तो गांधी जी ऐसे उदाहरण समाज के अंदर प्रस्तुत करते नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव ये कि बुरा मत देखो, जब तक हम बुरा देखेंगे नहीं तब तक उसके सुधार के बारे में कैसे सोचेंगे। बुरा बोलो मत नहीं, ठीक है बुरा मत बोलो, लेकिन कम से कम बोलो तो सही, बुरा देखो तो, बुरा सुनो नहीं। जब बगल में बुरा माहौल होगा, बुरे लोग होंगे, बुरी बातें होंगी, तो बुरा सुनाई क्यों नहीं देगा। मुझे लगता है कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत, अब इस परिभाषा को बदलने का वक्त आ गया है। बुरा मत करो, ऐसा गांधी जी ने नहीं किया कहा था, इसलिए बुरा करने में हर कोई लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, बुरा कहेंगे नहीं, तो बुरा करने वाले के खिलाफ क्या मुझे करना चाहिए, इसका जवाब कोई दे सकता है क्या? और मुझे लगता है कि ये संदेश उस दिन मोदी जी क्या बोल रहे थे मालूम नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ट्रंप को बता रहे थे कि ये बुरा नहीं बोलने का ज्ञान है, ये बुरा नहीं सुनने का ज्ञान है, ये बुरा नहीं देखने का ज्ञान है। लेकिन मोदी जी ने उसमें कुछ चेंजेस जरूर कर दिए, और ये बंदरों का जो हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के संस्कार में, हमारे देश के वेद पुराणों में योगदान रहा है, कहीं ना कहीं उसी चीज से प्रभावित होकर गांधी जी ने तीन बंदरों की शिक्षा दी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बुरा बोलो नहीं, कम से कम दो का मुंह खुला है, वो आपको बुरा देख करके बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। मोदी जी के आने के बाद ये बदलाव हो गया, बुरा देखो नहीं, कम से कम दो को दिखाई दे रहा है बुरा, वो उनको उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। अब मुझे भी आप उसमें से एक बंदर समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बुरा दिखता है तो कम से कम बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा और ऐसे ही बुरा होता रहेगा। मुझे लगता है कि अब गांधी जी के जो तीन बंदर थे उनकी शिक्षाएं आज भी ठीक हैं, लेकिन कुछ बदलाव की जरूरत तब उनके अंदर है। और ट्रंप को यह दिखा दिया मोदी जी ने कि कम से कम अब बदलाव देश के अंदर आ गया है, वरना बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम हनुमान जी के नाम से नहीं पड़ता। इसलिए अब तक जो बंदरों की परिभाषा थी उसके बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अगर और अगर आप गांधी जी को फॉलो करते होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन ये तीन बंदरों का आदेश, तीन बंदरों की शिक्षा ने कहीं ना कहीं देश को बहुत ही प्रभावित किया, जिसका नतीजा है देश का जब आज़ादी जब देश को मिली, तभी से इन बंदरों के ऊपर कार्य करना हमारी देश की राजनीति ने शुरू कर दिया था, जिसका यह परिणाम हुआ कि 14 वोट मिलने के बाद भी वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, और एक वोट भी नहीं पाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री देश के बन गए।
मुझे लगता है उस समय से ही इन बंदरों की दी हुई शिक्षा देश के अंदर पारित कर दी गई थी। बोलो नहीं, सुनो नहीं, देखो नहीं। देश का बंटवारा हुआ, लाखों जाने चली गई, लाखों बलात्कार हुए, लाखों बच्चे बूढ़े जवान मारे गए। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के अंदर, इस भारत की धरती पर नरसंहार कभी नहीं हुआ था। और तभी से इन शिक्षाओं ने हमारे समाज को अंधा, बहरा और गूंगा बना कर रख दिया। ना तब इसका कोई विरोध करने वाला था, ना आज ही विरोध करने वाला है। अगर आज विरोध कोई करता है तो उसको हिंदू और मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर कौन नहीं था? हर कोई था, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारधाराओं का टकराव इस धारा को हमेशा ही रक्तपात से सिंचित करता रहा है। और इसका जवाब कौन देना चाहेगा, कौन देगा, कौन जिम्मेदार इसका है? मुझे लगता है कि जो भी हमारे महापुरुषों ने शिक्षाएं दी हैं उससे सबक तो लिया जाए, लेकिन उसमें अब संशोधन करने का भी वक्त आ गया है। और यह संशोधन हमारी और आपकी विचारधारा से होगा। और विचारधारा की लड़ाई आज देश के अंदर हर कोने कोने में व्याप्त है। कहीं पति पत्नी पकड़े जा रहे हैं आईएस के एजेंट, तो कहीं कोई नेता बोलता है कि गोली मारो, और कहीं किसी नेता के गोली मारने की जरूरत नहीं, वो तो पेट्रोल बम ही डायरेक्ट मरवाता है। किसका, कौन इसका जवाब देना चाहता है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी हमारे देश का जो मूल है, जो मूल का अंश है, बंदर, उसकी परिभाषा को कम से कम अब बदलाव की जरूरत है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके पूरे देश के अंदर जनता को जागृत करिए। और अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपकी संवेदना, आपकी जवाबदेही, आपकी नैतिक जिम्मेदारी इस देश के प्रति आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और जब देश के प्रति आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो बताइए, ऐसे लोगों के कागज क्यों ना सरकार देखे। इस धरा की जो मूल है वो यही है कि सर्वधर्म समभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है। हम आज भी सभी को अपना मानते हैं, लेकिन जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक तत्व हैं, उनका जवाब आखिर कौन देगा? और जवाब अगर ऐसे मिले तो क्या करना चाहिए जब देश को जला दिया जाए? मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।